हेलो एवरीवन दिस इज मी पुष्कर वैश आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर में यूजेस ऑफ एसिड फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो इसका यूज हम पढ़ते हैं कहाँ पे होता है इट इज़ यूज्ड द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल ये केमिकल के मैन्युफैक्चर में यूज होता है जैसे कि ग्लू या ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा ग्लू ब्लीचिंग पाउडर के यू ये क्या होता है मैनुफैक्चर में यूज करा जाता है टू प्योरीफाई सॉल्ट्स ये साल्ट को प्योरीफाई करने में काम आता है नेक्स्ट पॉइंट टू रिमूव स्केल ऑफ द बॉयलर ये बॉयलर में जो आपके स्पॉट्स पड़, पड़ जाते हैं स्केल पड़ जाते हैं ठीक है दाग धब्बे जो कोई भी चीज को बॉयल करो तो क्या होता है चारों ओर किनारे पे डिपॉजिट हो जाता है अपर साइड में जहाँ पे वो बॉयल होता है वो निशान छोड़ जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं द डिपॉजिट फॉर्म इन साइड द बॉयलर आर नोने जो डिपॉजिट होता है चारों ओर अंदर की ओर बॉयलर में वही आपका स्केल कहलाता है टू मेक एक्वारिजिया एक्वारिजिया मतलब होता है अम्लराज ये एक रेशियो होता है HCl एंड HNO3 का उसके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं डिड यू नो में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फाउंड इन आवर स्टमक जो हमारा स्टमक होता है वहाँ पे क्या होता है ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जैसा कि हम लोग घरेलू भाषा में मम्मी पापा से सुनते रहते हैं कि ये क्या होता है आपका जटराग्नि जिसको कहते हैं कि जटराग्नि इनकी नहीं चल रही है तो क्या होता है उनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है पेट में वो क्या होता है बैलेंस नहीं होता है तो इसी वजह से बच्चों को या कोई भी व्यक्ति को खाना पचाने में मदद मिलती है इससे अगर ये क्या होगा बैलेंस नहीं रहेगा तो ये खाना पच नहीं पाएगा और उसका डाइजेशन खराब हो जाएगा तो यह आपके स्टमक में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फाउंड इन अवर स्टमक इट हेल्प इन डाइजेशन तो ये आपका डाइजेशन में हेल्प करता है क्लोरिक एसिड इतना हार्ड होता है कि जब हम इसमें अपनी उंगली को डालेंगे तो हमारा जो मांस होता है फ्लैश होता है वो क्या होगा गायब हो जाएगा इतना ज्यादा ये हार्ड होता है ओके है, क्या होता है तो थ्री पार्ट कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो तीन पार्ट का लेंगे कहलाता है जिसके हिंदी में हमने बताया कि क्या कहते हैं अमराज कहते हैं इट इज यूज टू डिजोल्व नोबल मेटल गोल्ड एंड प्लेटिनम गोल्ड और प्लेटिनम को यह डिजोल्व करने में यूज होता है कौन आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर हच अमोनियम नाइट्रेट हमने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था बायोलॉजी के कि फर्टिलाइजर क्या होते हैं तो ये फर्टिलाइजर आपके यूज होते थे नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए तो यहाँ पे क्या होता है HNO3 या अमोनियम नाइट्रेट एन हम यूज़ करेंगे इल के अंदर नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्योंकि पेड़ पौधे नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्व नहीं कर पाते ये केवल कार्बन डाइऑक्साइड को ही एब्जॉर्व कर पाते इनहेल करके उसको ही क्या करते हैं कैप्चर कर पाते हैं जबकि नाइट्रोजन की, की रिक्वायरमेंट को ये स्वाइल से पूरा करते हैं तो इस स्वाइल ही पूरा करेंगे बाई द यूज ऑफ फर्टिलाइजर अगर फॉल में कमी होती है तो फार्मर इस फर्टिलाइजर का यूज़ करके नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को पूरा करते थे अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे तो इन द मैनुफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव एज टी एन टी ट्राई नाइट्रोटालविन एंड ट्राई सॉरी नाइट्रोग्लिक्रीन तो यहाँ ट्राई नाइट्रोटालविन क्या है आपका विस्फोटक है जिनको क्या करते थे विस्फोट करने के लिए पहाड़ों में विस्फोट करने के लिए रास्ते बनाने के लिए काम में लाया जाता था और नाइट्रोग्लिसरीन की बात करेंगे तो ये भी आपका विस्फोटक है और इसका मेडिसिन में भी यूज़ होता है ये हार्ट पेशेंट के मेडिसिन में भी अब यूज़ करा जाता है ड्रग्स के रूप में अब नेक्स्ट पॉइंट इन एक्स्ट्रैक्शन ऑफ मेटल और ये मेटल को एक्स्ट्रैक्शन करने के लिए भी ये क्या होता है यूज़ होता है नैट्रिक एसिड ऐसे नोथरी का यूज़ मेटल एक्स्ट्रैक्शन में भी करते हैं नेक्स्ट इज कैलफ्यूरिक एसिड तो कैलफ्यूरिकली सॉरी नेक्स्ट इज कैलफ्यूरिक एसिड पॉइंट नंबर वन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज केमिकल इन इंडस्ट्री इट इज कार्ड किंग ऑफ केमिकल ये सबके ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होता है कैलफेरिक एसिड इट इज यूज इन टेक्सटाइल या आपके टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग में पेपर पेपर मतलब कागज़ उद्योग में एंड लेदर इंडस्ट्रीज में उद्योग में लेदर उद्योगों में यूज में आता है इसकी वजह से सबसे ज्यादा इसका यूज होता है इसकी वजह से इसको किंग ऑफ कैमिकल कहा जाता है नेक्स्ट टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर या फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरर में यूज आता है डाइज पेंट्स एंड डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चरर में ये यूज़ में आता है डाइज मतलब रंजक पेंट मतलब क्या होता है रंग एंड डिटर्जेंट आम जानते ही हैं इन स्टोरेज बैटरीज बैटरीज ऑटोमोबाइल बैटरीज एक्सेट्रा तो ये स्टोर करने के लिए बैटरी और ऑटोमोबाइल बैटरी को स्टोर करने के लिए भी यूज में लाया जाता है नेक्स्ट पॉइंट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है मतलब कि ये पानी को एजेंट क्या है डिहाइड्रेट करने के काम में आता है डी मतलब हटाना हाइड्रा मतलब पानी को ठीक है तो ये पानी को हटाने वाले एजेंट के रूप में काम में आता है नेक्स्ट चीज डिड यू नो में अब हम देखेंगे अपने बॉडी में क्या पाया जाता है कौन सा एसिड पाया जाता है ईज कैल इन आवर बॉडी कंटेन एंड एसिड नोन एज नोन एज डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब डी एन ए इट कंट्रोल्स एवरी फ्यूचर ऑफ अवर बॉडी सच एज कलर ऑफ आई एंड हेयर मतलब हेयर का, का कलर और हमारी बॉडी में आइज का कलर कौन डिफाइन करता है कि कैसा होगा तो ये आपका डी एन ए ही बताता है डी एन ए का फुल फॉर्म है आपका डी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये आपका एक एसिड है नेक्स्ट इज प्रोटीन दैट बिल्ड पार्ट ऑफ आवर सेल्स आर आल्सो मेड ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन जो होते हमारे हैं हमारे पार्ट हैं सेल्स के तो ये आपका अमीनो एसिड से बना होता है नेक्स्ट इज द फैट हमारे शरीर में फैट पाया जाता है प्रेजेंट इन आवर बॉडी आल्सो कंटेन फैटी एसिड और ये बैटी एसिड को कंटेन करके रखे रहता है ओके थैंक यू क्लास